सब 4 मीटर सेगमेंट की जब बात आती है ना, डीजल ऑप्शन ज्यादा है नहीं, सोनेट में आती है। एक ट्रांसमिशन नहीं, तीन ट्रांसमिशन, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड IMT और द टॉक कन्वर्टर। आज हम इसका माइलेज टेस्ट करेंगे, टैंक करेंगे फुल ऑटो कट पे, चलाएंगे गाड़ी को आराम से थोड़ा सा और उसके बाद फिर से चेक करेंगे। तो टैंक टू टैंक मेथड से हम इसकी डीजल की माइलेज टेस्ट आज करने वाले हैं। अब जब आप एक डीजल गाड़ी लेने का सोचते हो तो आपका अल्टीमेटली मोटिव यही होता है ना कि उसकी रनिंग ज़्यादा होगी, माइलेज हमें ज़्यादा चाहिए। तो अब डीजल का माइलेज टेस्ट नहीं किया तो क्या किया फिर? चलो ये भी देख लेते हैं कि कितनी माइलेज आती है। अब देखो आप लोगों के लिए, देखो कितना खर्चा करते हैं, लाइक तो बनता है इस बात पे। और मैसेज कह रहा था 4 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने का, इस 13 मार्च को मेरा बर्थडे है, उससे पहले पूरे करने। मेरे को आपसे गिफ्ट चाहिए। ये फुल हो रही है टंकी, काफ़ी यूज़ हो गया था वैसे, 30% तो यूज़ हो गया था, 600 हो गया, 700 हो गया, 800 खुद ही पे करने हैं, ये सारे आपके लिए है ये। अरे तो रोके ही नहीं रहा है, अब रुकेगा, ये रुका, बस ठीक है, ऑटो कट पे बंद कर दो। 14 लीटर डीजल भराया हमने 1340 रुपये का, और अभी तो दोबारा भरवाना है थोड़ी देर बाद, थोड़ा चलाएंगे, इतना खर्चा नहीं करना मैंने। ओके गाइज, 0.0 किलोमीटर सेट कर दिया है और अब हम इसको देखेंगे कि हमने चलाना कितना है, किस हिसाब से है, ये देख सकते हैं करंट ट्रिप। ओके, मेरे एसी कर रहे हैं बंद, चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं ट्रिप, हमने उस हिसाब से सेट कर लिया है। लोकेशन हमारी 29 किलोमीटर दूर है, बट पेट्रोल पंप उससे पहले आएगा तो या उसके बाद आएगा वो देखते हैं। अभी जहाँ हम जा रहे हैं दैट इज़ 30 किलोमीटर्स एंड 30 मिनट्स। रूट मोस्टली हमें अच्छे ही मिलेगा, बट ध्यान रखें कि रूट जो हमारा है तो थोड़ा सा गांव वाला यहाँ पर आएगा डिपेंड। ठीक है, हम ज़्यादा स्पीड मेंटेन शायद नहीं कर पाएंगे, बट ये है कि रोड्स फिर भी अच्छी मिल रही हैं, तो टर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं बीच में। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि माइलेज ज़्यादा कैसे आती है किसी भी गाड़ी की, सिर्फ डीजल या सोनेट की बात नहीं कर रहा मैं। सही प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, किस तरीके से आपको गाड़ी चलानी चाहिए, और हम इसका तो टेस्ट कर ही रहे हैं, साथ साथ आपको और चीज़ें भी बताता रहूँगा इसकी परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस वाइज तो देखो गाड़ी अच्छी है ही है, 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल टर्बो इंजन है। प्राइस ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा हो जाती है इस इन चीज़ों की वजह से, बट अगेन जिसको माइलेज भी चाहिए, पावर भी चाहिए, जिसकी रनिंग ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो इस इंजन को ऑप्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं इसके ड्राइव मोड्स की। देखो ड्राइव मोड्स आते हैं इसमें 3। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार जिस तरीके से अभी हम इसको चला रहे हैं इसको तो इको मोड पे चलाना चाहिए, बट नहीं, ऐसे नहीं होता मेरे दोस्त। इको मोड होता है हाईवेज के लिए, जब आप एक कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी को चलाना चाहते हो। अभी हम इसको चला रहे हैं नॉर्मल मोड पे। नॉर्मल मोड होता है जब आपको थोड़ी सी पावर भी चाहिए होती है, क्योंकि अगर आप इको मोड पे पावर डिमांड करोगे तो आपको रेस ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो उस पर इंजन पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो जब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो फ्यूल ज़्यादा लगेगा। तो इको मोड पे अगर आप ओवरटेक करना चाहते हो तो फ्यूल ज़्यादा लगता है, तो टेक्निकली इको मोड तब है अगर शांति से चलाओगे तभी आपको वो एक इको वाली माइलेज देगा, बट अगर नॉर्मल को सही से चलाओगे तो पावर भी अच्छी मिल जाती है, रिस्पॉन्स बढ़िया रहता है, और अगेन आपको एक माइलेज भी मिल जाएगी, एक बैलेंस्ड वे हो जाता है। बट अगर स्पोर्ट्स मोड की बात आती है तो स्पोर्ट्स मोड होता है प्योर फन के लिए। वहाँ पर माइलेज का ज़्यादा नहीं सोचना, वहाँ पर आपको मिल जाती है थ्रस्ट, एक पंचीनेस, जिसकी वजह से आप किसी को ओवरटेक करते हो ना तो आप करके ओवरटेक करते हो, खुशी बहुत मिलती है। लेकिन अगर आपको स्पोर्ट्स मोड प्लस चाहिए तब आप पैडल शिफ्टर्स यूज़ करते हो, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होते। ड्राइव मोड्स तो फिर भी मिल जाते हैं लेकिन पैडल शिफ्टर्स हर जगह नहीं मिलते, तो सोनेट में आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप किसी को ओवरटेक करना चाहते हो और आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहिए अपने इंजन से, फुल कैपेसिटी चाहिए, तो आप बस एक पैडल शिफ्ट का डाउन किया, रेस दिया और ओवरटेक किया, तो ये बहुत ही बढ़िया स्माइल आपके फेस पे ले आता है। सेम गोज फॉर दी माइलेज एज वेल, कि अगर आपको माइलेज हाईवे पर आपको लग रहा है यार एक गियर अप कर लेते हैं ना माइलेज अच्छी आ जाएगी, तो आप पैडल शिफ्ट से अप गियर भी तो कर सकते हो। तीसरा पैडल शिफ्ट का बेनिफिट पहाड़ों में बहुत काम आता है। सपोज 5 लोग बैठे हैं, डिक्की खचाखच भगी मतलब भरी हुई है, और आपको ले चाहिए यार चढ़ाई है, पावर और चाहिए, इंजन जो है या ट्रांसमिशन है वो लोअर डाउन गियर नहीं कर रहा, आप मैन्युअली उसको करना चाहते हो, तब भी पैडल शिफ्टर काम आता है। तो आपने फटाफट गियर डाउन किया और गाड़ी फिर चल पड़ी, फिर आपको टॉर्क की कमी महसूस नहीं होगी, तो आपको यहाँ से उसको स्पोर्ट्स मोड पर स्विच नहीं करना पड़ेगा, जो आप कर सकते हो। गियर्स नॉब पर भी आपको माइनस प्लस यानी कि गियर डाउन गियर आपकी ऑप्शन मिलती है ऑफकोर्स, बट अगर आप पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हो तो आपको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं से हो जाता है, और मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं पैडल शिफ्टर्स, यूज़ करो दीवाने हो जाओगे आप भी। ओके,
एक अपडेट छोटा सा देते हैं, 2.3 किलोमीटर हुए हैं, 4 मिनट ड्राइविंग हुई है, 17.7 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज अभी ये शो कर रहा है, 18 हो गई है अभी, तो धीरे धीरे देखेंगे कि एग्जैक्ट कितनी आती है। अभी सिर्फ 2.5 किलोमीटर गाड़ी चली है, ठीक है ना। अभी हम ये जो मतलब पिंड टाइप है ये ख़त्म होने वाला है, पिंड यानी कि ये गांव टाइप है ये ख़त्म होने वाला है, तो अब हम जल्दी हाईवे पे कनेक्ट करेंगे। ओके, अब आप माइलेज अपनी बढ़ा कैसे सकते हैं? एक तो ड्राइव मोड्स होगे, लेकिन ज़रूरी थोड़ी हर गाड़ी में ड्राइव मोड्स हो। आप माइलेज अपनी बढ़ा सकते हो लाइट फुट रख के, 3-4 मेथड्स हैं, ठीक है ना। रैपिड एक्सप्रेशन मत करो मेरे दोस्त, ना ही रैपिड ब्रेकिंग करो। कंपनी ने ना किया उन्होंने तो उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया। किया कनेक्टेड ऐप पे इको स्कोर आपके मैनेज होते हैं, यानी कि आपको स्कोर मिलते हैं कि आपकी ड्राइविंग कैसी है, कैसे आपने इस व्हीकल को चलाया है, रैपिड एक्सप्रेशन दी है, इंस्टेंट एक्सप्रेशन ज़्यादा दी है, और ज़्यादा एकदम से यू नो भगाने की कोशिश की है तो स्कोर कम हो जाते हैं, माइलेज का भी स्कोर आता है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं और आपको एक अल्टीमेटली स्कोर मिलता है कि आपकी ड्राइविंग बिहेवियर कैसा है, और आप बाकी किया ओनर्स के साथ उस ड्राइविंग स्कोर को शेयर भी कर सकते हो। और एक लीडर बोर्ड भी होता है, यानी कि पूरी लिस्ट आती है कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, मैक्सिमम स्कोर किसने अचीव किए, और ये हर ड्राइव के बाद अपडेट होते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मज़े के मज़े, यानी कि फन का फन जो कि आपको एप्लीकेशन पर लीडर बोर्ड के ज़रिए मिल रहा है, आपकी आप एक सेफ ड्राइविंग भी करते हो, आपकी जान भी बची रहती है या चोट लगने से बचे रहते हो, और तीसरी आ जाती है कि आपकी गाड़ी की लाइफ और बढ़ जाती है, क्योंकि जितने प्यार से इसको आप रखोगे उतने ही प्यार से ये आपको संभाल के रखेगी। ये है कोलिजन वार्निंग ADAS। इस सेगमेंट में आते नहीं है गाड़ियों में, बहुत कम है। कम क्या मतलब, वेन्यू तो है एक जिसमें है, और जब स्पीड आपकी कम होती है ना 5-10 किलोमीटर, तो 360 डिग्री कैमरा ऑन हो जाता है, और इसमें जैसे हम फ्रंट जा रहे हैं तो फ्रंट वाला कैमरा ऑन होगा, तो मुझे और एक अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है कि मेरा डिस्टेंस अगले व्हीकल से कितना है, और ऑटोमेटिकली जब मैंने थोड़ी स्पीड अचीव कर ली और अगला व्हीकल हट गया तो ये स्क्रीन नॉर्मल हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरा माइलेज बढ़ाने का तरीका, ठीक है, फिर हम अपडेट देंगे आपको माइलेज कितनी आ रही है। दूसरा माइलेज बढ़ाने का तरीका ये AC का टेम्परेचर, 24-25 सही है यार, ये 16-18 करके कौन सा मनाली के मज़े लेने हैं अपने, और उसका फ़ायदा भी कोई नहीं होता, बिकॉज 16-18 तक गाड़ी पहुंच भी नहीं पाती, वो बस अपना पूरी जान लगाती है कि वहां तक पहुंच जाए, पहुंच नहीं तो फिर 22-23-24 पर ही है, तो फिर आप पहले ही उसको 24 से 26 के बीच में रखो, एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर आपकी बॉडी के लिए भी रहता है, हेल्थ भी बची रहती है। मैं बताता हूँ कैसे। अब सोचो आपने एक मिनिमम टेम्परेचर सेट कर दिया 16, आप अंदर चिल्ड गाड़ी में बैठे हो, बाहर धूप है, गाड़ी से बाहर निकलोगे आपकी बॉडी को गर्म सर्द जिसको हम बोलते हैं वो हो जाएगा, तो फ़ायदा किसका हुआ, किसी का नहीं, नुकसान ही नुकसान है इसमें। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टेम्परेचर एक मेंटेन रखो, कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ना ही हीटर को मैं बोलूँगा कि यार हीटर आप फुल चला दो, पूरा गर्म बाहर ठंड हो, कोई सेंस नहीं है मेरे दोस्त, दिक्कत ही आएगी आपको, आपकी बॉडी को दिक्कत आएगी, तो एक टेम्परेचर मेंटेन रखो। और ये सेम चीज़ घर के ACs पे भी काम करती है, तो उससे क्या आपका बिजली कम आएगी आपकी, तो उस चीज़ का ध्यान भी रखना जरूर, ठीक है। माइलेज अपडेट 5 किलोमीटर्स पे देते हैं, 4.7 हुए हैं अभी। माइलेज बढ़ाने का तीसरा तरीका, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये खुद इतने अच्छे तरीके से ट्राई नहीं किया है, बिकॉज इससे बहुत ही माइनर सा फ़र्क आता है। ये लोग क्लेम करते हैं कि अपनी जो गाड़ी है उसमें कभी भी फुल पेट्रोल मत भराएं, थोड़ा सा कम रखें। मेरे को लॉजिक इसका समझ नहीं आता, अगर आपको इसका लॉजिक समझ आता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसको हम तीसरा तरीका मानते नहीं है, ये ऐसी एक बात कर ली हमने बस, ठीक है ना। तरीके की अगर बात करें तो आ जाते हैं टायर प्रेशर, इसमें तो देखो बेस वेरिएंट से टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम आता है, बट अगर आप और कोई गाड़ी आपके पास है तो टायर का प्रेशर हमेशा मेंटेन करके चलें, ना ज़्यादा ना कम। कई लोग कहते हैं कि यार हवा ज़्यादा भरा लो गाड़ी यू नो फ्लोट करती है, माइलेज ज़्यादा आती है, बट नियर वो ग्रिपिंग के लिए अच्छी नहीं है ना, तो एप्रोप्रिएट जितनी होनी चाहिए उतनी हवा आप रखो। बाकी टेम्परेचर हाईवे की वजह से थोड़ी ऊपर नीचे कर सकते हो, बिकॉज हाई स्पीड्स पे टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो तब आप थोड़ी सी कम गर्मियों में आप एक एक पॉइंट कम रख सकते हो अगर आप हाईवे पे ज़्यादा गाड़ी चलाने वाले हो, क्योंकि सड़क भी पूरी गर्म होती है, चल भी ज़्यादा रही है, टायर्स होते हैं तो वो ज़्यादा यू नो फटने का डर रहता है, टायर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर 32 एक रेकमेंडेड है तो 32 आप नॉर्मल कंडीशंस में रखें, और अगर हाईवे पे आप चला रहे हैं आपकी वो ज़्यादा है, रनिंग ज़्यादा होगी, तो आप उसको 30-31 भी कर सकते हो। शहर में 33 तक भी चले जाओगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा लो स्पीड्स पे, तो मतलब नॉर्मल वेदर्स में, ठीक है। अच्छा 5 किलोमीटर में ना अपडेट देना रह गया, तो 6.1 किलोमीटर का अपडेट है 20 किलोमीटर पर लीटर का। आप देख सकते हैं कि 6.4 किलोमीटर हो गया और 20.6 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आई है। देखो ये जो माइलेज अभी मैं बता रहा हूँ जो डिस्प्ले वाली है, वो डिस्प्ले वाली है अभी हम टैंक टू टैंक वाली, तो जब पेट्रोल या सॉरी डीजल भराएंगे तब हम चेक करेंगे। अगर आप इस गाड़ी की सस्पेंशन, हैंडलिंग,
ठीक है, ये सब देखना चाहते हो तो ड्राइव रिव्यूज चेक करें, बिकॉज उसमें हम ज़्यादा थॉरली बता पाते हैं, ये ज़्यादा माइलेज सेंट्रिक है। ठीक है, अच्छा हाँ एक और चीज़, अगर आप लोगों को कोई माइलेज बढ़ाने का तरीका पता है तो मेरे से शेयर ज़रूर करना, कहीं ना कई बार कोई इंटरेस्टिंग आइडिया होता है, मिल जाता है नया, तो हम उसको वीडियोज़ में शेयर भी कर देंगे आपके लिए। रोलिंग, अब आगे एक बाइक आ रही है, ठीक है कि नहीं, स्पीड मेरी लगातार चल रही है, अभी मैं 50-60 के आसपास हूँ, तो हम थोड़ा सा इसके पास जाएंगे, ऑब्वियसली थोड़ा कंट्रोल, रिस्क भी तो नहीं लेना। ये इसने डिटेक्ट कर दिया कोलिजन वार्निंग मेरे को आगे, क्योंकि आगे बाइक थी ना, थोड़ा सा आगे इसको ओवरटेक करते हैं। अब माइलेज बढ़ाने का एक और तरीका, हम आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी की जो बात करें, वो आप नॉर्मली भी तो कर सकते हो ना यार, रेड लाइट पे वैसे ही अपनी बंद रखो इंजन, क्या करने चला के। अब 60 से ऊपर की स्पीड है तो लेन की बसेस भी चल रहा है, और टोल आ गया है, टोल पे हमें फास्टैग लेन से जाने को कहा है, इसमें सिर्फ एक ही फास्टैग नहीं, दो हैं तो दैट्स ग्रेट, हमारे पास है फास्टैग। अभी ना एक आगे गाड़ी गई, MG एक्टर थी, आगे लिखवाया हुआ नंबर प्लेट के पास विधायक, ठीक है, पीछे लिखा हुआ लर्नर। तो थोड़ा सा फनी लगा कि बेसिकली उनकी फैमिली में कोई होगा जो भी लर्निंग स्टेज पे होगा, तो उन्होंने लर्नर के लिए लगवाया होगा, और वैसे क्योंकि विधायक है तो लिखवा लिया, हालांकि अभी लर्नर नहीं चला रहे जिस हिसाब से वो रैश ड्राइविंग कर रहा है, बट एनीवेज अब हम हाईवे पे हैं, 67 पे क्रूज लगा दिया है, और इसका लेन कीप असिस्ट काम कर रहा है, देख सकते हैं कि स्टेयरिंग जो है वो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, बट मैं ऐसी ड्राइविंग बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता, दिस इज़ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पजेज, बिल्कुल खाली रोड पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से इसका स्टेयरिंग ऑटोमेटिकली लेफ्ट राइट होगा। अब आप देख सकते हैं 39.9 किलोमीटर जो है हमने इसको चला लिया है, 41 मिनट्स ड्राइविंग, 21.7 किलोमीटर दिखा रहा है, देखते हैं डीजल भरा के क्या रेंज आई। हाँ फुल कर दो ऑटो कट पे, ठीक है, चलो गाइस फ़ोन से रीडिंग लेने का टाइम आ गया है, डीजल डालेंगे हम, डीजल ऑटो कट रखेंगे, एक बार ज़ीरो लेने दो, चलो भाई कर दो भैया शुरू। ऑटोकट लगा 1.53 लीटर्स पे, यानी कि 143 रुपीस का डीजल लगा, और अगर हम इसको डिवाइड करते 33.9 डिवाइडेड बाय कितना था 1.53 22.1 किलोमीटर, मतलब दिखाने से भी ज़्यादा माइलेज है, ये तो बहुत सही है, 22 किलोमीटर की इसकी, मतलब थोड़ी सी सिटी, थोड़े से ख़राब रास्ते और ज़्यादा हाईवे पे ये माइलेज निकल कर आई है। आई नो आप पेट्रोल की देखना चाहते हो माइलेज तो उसकी वीडियो अलग से बनी, उसमें ज़्यादा किलोमीटर हमने चलाया, ये किलोमीटर थोड़े से कम हो गए थे, जब हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा ना सोनेट के साथ, अब इसका फुल टैंक ज़ीरो करेंगे तब देखेंगे माइलेज कितनी आती है। सो दिस वॉज दिस, कैसी लगी आपको इसकी माइलेज नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द सोनेट, रिव्यू देखना चाहते हो उसे चेकआउट जरूर कर ले, हमने इसका डिटेल रिव्यू ऑलरेडी अपलोड कर दिया चैनल के ऊपर, माइलेज टेस्ट कैसा लगा, ऐसे और कौन सी गाड़ी का माइलेज टेस्ट देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके जरूर बता दे, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।